हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु, आप सभी का हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 7 अप्रैल 2023 सुबह 8 बजे का सेशन लेकर मैं एक बार फिर आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आई होप आप सभी डेली करंट अफेयर के रेगुलर सेशंस फॉलो कर रहे होंगे। वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें। 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैक्सिमम सेशन 10 मिनट का होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 मार्च को। शहीदी दिवस 2020 विशेष देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीद दिवस को लेकर देश भर में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के तहत राजस्थान के अजमेर में रविवार के दिन शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की बैठक भी हुई। इंडियन ग्रैंड प्रीमियर वन एथलेटिक्स में हिमा दास ने 200 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? तो यह है स्वर्ण पदक। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास ने 20 मार्च को ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स इवेंट में 23.79 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। दास ने महाराष्ट्र की ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा 24.81 सेकंड और केरल की वीके विस्मया 24.82 सेकंड को हराया, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये है त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा के दक्षिण जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा विकसित एक तितली पार्क अब देश के विभिन्न हिस्सों और बांग्लादेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य के करीब छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। बॉम्ब चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई? तो ये है कैलिफोर्निया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में गुरुवार को एक बम चक्रवात के बाद एक बच्चे सहित कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों के घर में पेड़ गिरने से कथित तौर पर मारे गए थे। किस राज्य ने उगादि उत्सव मनाया? तो ये है त्रिपुरा। उगादि या फिर संवत सर्दी युगादि के नाम से भी जाना जाने वाला यह पर्व दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रमुखता से नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व को चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते किस नदियों का जल प्रवाह कम होगा? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने भारत को नदियों के गिरते जलस्तर को लेकर चेतावनी दी है। एंटोनियो गुतरेज ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बेहद अहम नदियों का जल प्रवाह कम होता जा रहा है। अभय छजलानी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे पत्रकार। अभय छजलानी 4 अगस्त 1934 से मार्च 2023 तक एक भारतीय पत्रकार और इंदौर स्थित दैनिक नई दुनिया के मुख्य संपादक थे। वे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, जिस पद के लिए उन्हें 2002 में चुना गया था। उन्होंने सोसाइटी की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी सेवा की। तो इनका जो पेशा है वो था जर्नलिज्म, पत्रकारिता। किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? कृष्ण यादव, महेश बालसुब्रमण्यम, राकेश झुंझुनवाला या अजय सेठ? तो यह राकेश झुंझुनवाला, एक व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक ट्रेडर और चुने गए थे जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1985 में $5,000 की पूंजी के साथ निवेश करना शुरू किया और 1986 में अपना पहला महत्वपूर्ण लाभ कमाया। एविएशन सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये है राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया क्रमशः 3.6 अरब और 3.3 अरब की संपत्ति के साथ एविएशन सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर अरबपति हैं। गंगवाल और भाटिया ने 2006 में एक एयरक्राफ्ट के साथ इंडिगो की शुरुआत की थी। फरवरी 2022 में गंगवाल ने इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा दिया था। किसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है एस एम कृष्णा। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी पद्म पुरस्कारों की लिस्ट के मुताबिक मुलायम सिंह यादव और एस एम कृष्णा के अलावा प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और दिलीप महलाना बिस को मरणोपरांत तथा प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजने का ऐलान किया। किसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है मंगलम बिरला। पद्म भूषण के लिए चुने गए 9 नाम वही एस एल भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजीयर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा।
ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला। डैश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर एक विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव की मेजबानी की। तो ये है हरिद्वार। हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर एक विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी की। 17 मार्च को शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने किया। अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये है 25 मार्च। हर साल 25 मार्च को गर्भपात का विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव जीवन के मूल्य, गरिमा और अभी तक पैदा होने वाले विकासशील बच्चे का जश्न मनाना है। यह उन अजन्मे भ्रूणों के स्मरणोत्सव का दिन है जिन्होंने गर्भपात के कारण अपनी जान गंवाई। किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर तपन सेकिया। असम सरकार द्वारा दिया गया असोम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस वर्ष के प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर तपन सेकिया। मेसूत ओजिल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है फुटबॉल। मेसूत ओजिल ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो यह छत्तीसगढ़। वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 180,000 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। अभय छजलानी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे पत्रकार। अभय छजलानी नई दुनिया के संस्थापक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और 1994 में इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। वे भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ के सदस्य भी थे और सदस्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। छजलानी का 23 मार्च 2023 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो यह तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। किस कांग्रेस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये हैं राहुल गांधी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो ये है नीतू गंगस। नीतू गंगस ने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता। नीतू गंगस ने मंगोलिया की लुत साइखान अल्तन सेठ सेग को 5-0 से मात दी। कैसा लगा आपको ये 7 अप्रैल 2023 का सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और हमारी शुभकामनाओं के साथ जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, बने रहने के लिए धन्यवाद।